Hey guys, welcome to my channel, Current Velocity. So, बाकी दो मांगा के इस पार्ट में हम देखेंगे मुजाजी मियामोटो की फाइट पिकल से होते हुए, जिसमें मियामोटो अपनी ओरिजिनल तलवार को पिकल के अगेंस्ट यूज करेंगे। क्या पिकल मियामोटो की तलवार को झेल पाएगा, ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा। खैर, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पिकल ने लगभग 6 दिनों से खाना नहीं खाया, क्योंकि पिकल आप लोगों को बताना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा का पार्ट 28 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं जापान के टोक्यो डोम के सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में। आज से पहले इस फाइटिंग अरीना में काफी सारी मार्शल आर्ट्स की फाइट हो चुकी हैं। यहाँ पर हमेशा दर्शकों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ही इनविटेशन से बुलाया गया है, क्योंकि आज के इस फाइटिंग अरीना में होने वाला है पिकल वर्सेस मुसाशी मियामोटो और सभी तरह के वेपन्स भी अलाउड हैं। खैर, जैसे ही टोकुगावा अरीना में एंटर करते हैं, वो कई सारे अंडरग्राउंड फाइटर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिकल और मियामोटो के मैच को देखने के लिए बाकी हानमा डोपोरोची, जैक हानमा, शिनोगी कुरोया और उसका भाई गाया काकुकायो, शॉर्ट्समैन इचिरो जैसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट और फाइटर्स आए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप हवा में किसी तरह की एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल ने 7 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि वो मुसाशी मियामोटो को ही खाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर पिकल भूख के मारे अपने पेट को दबाकर बैठा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अरीना में एंट्री होती है मुसाशी मियामोटो की, जो कि अपनी तलवार को साथ में लेकर आए होते हैं। मगर सामने से हम देखते हैं पिकल मियामोटो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, और देखते ही देखते पिकल किसी जानवर की तरह मुसाशी मियामोटो पर हमला भी कर देता है। लेकिन इतने में ही होता यह है, मुसाशी मियामोटो सुपर स्पीड में अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और मियामोटो का एक खतरनाक अटैक पिकल के फेस पर पड़ जाता है। मियामोटो और पिकल को देखकर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स कहते हैं वो रुक गया, उसकी ताकत मियामोटो की तलवार पिकल के चेहरे की मसल्स ने रोक दी, मुसाशी का ब्लेड पिकल की चेस्ट मसल ने रोक दिया। खैर, मियामोटो पिकल की मसल्स को देखकर कहते हैं सच में ये तो मसल्स का ताजमहल है। मियामोटो के इतना कहते ही हम देखते हैं पिकल अपने राइट हैंड से मियामोटो के फेस पर एक थप्पड़ जड़ देता है, जिसकी वजह से होता यह है मुसाशी मियामोटो उड़ते हुए दीवार से टकराकर जमीन पर चारों खाने चित हो जाते हैं। वहीं सामने से हम देखते हैं कि पिकल के चेहरे की मसल्स में मियामोटो की तलवार अटक गई होती है, लेकिन पिकल तुरंत ही तलवार को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से पिकल के चेहरे और चेस्ट से काफी सारा खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद पिकल मियामोटो की तलवार को उठाकर ध्यान से देखने लगता है कि आखिर ये चीज है क्या। पिकल तलवार में अपनी उंगली लगाकर देखता है तो उसकी उंगली में एक कट भी लग जाता है, जिसके बाद पिकल एक तलवारबाज की तरह ही मियामोटो की तलवार को जमीन पर चला देता है, जिसकी वजह से जमीन में एक डीप कट भी पड़ जाता है। हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो जमीन से उठकर पिकल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो पिकल से कहते हैं पिकल मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, तुमने तो मेरी तलवार को अपनी शानदार मसल से रोक दिया, मेरी तलवार अच्छे से अच्छे आर्मर को और कई सारे चीजों को आराम से काट सकती है, लेकिन ये तलवार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं काट पाई। मैं जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा था कि तुम मेरी तलवार से क्या करोगे, क्या तुम मुझ पर मेरी ही तलवार से हमला करोगे, और देखो जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, अब तुम तो एक तलवारबाज बन चुके हो, तुम कितने बोरिंग हो पिकल। खैर, ऐसा सुनते ही पिकल मियामोटो पर उनकी ही तलवार से एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन होता यह है मुसाशी मियामोटो अपने हाथों की तलवार से पिकल के पूरे शरीर पर हमला कर देते हैं और पिकल की तलवार मियामोटो आराम से डॉच कर देते हैं, जो कि जमीन में घुस जाती है। यहाँ पर पिकल भले ही मियामोटो के लिए मसल्स का ताजमहल क्यों ना हो, मगर वो उस ताजमहल के किनारों को जरूर काट सकते हैं। इसलिए मियामोटो अपनी तलवार से पिकल के सारे जहाँ जहाँ पर उसके शरीर में जॉइंट्स होते हैं वो वहीं वहीं पर कट मार देते हैं, जिसकी वजह से पिकल के शरीर के सभी के सभी जॉइंट्स के पास कट लगने की वजह से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है और पिकल जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है, मगर फिर भी पिकल अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा होता है। इस चीज को देखकर सभी के सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स भी हैरान हो जाते हैं, जिस पर 9th लेवल के ग्रेटेस्ट शॉट्समैन साबुकियो इचिरो कहते हैं
जैसा कि मैंने सोचा था, मियामोटो ने पिकल के सभी एजेस को काट दिया। दोनों शोल्डर्स, एल्बोस एंड पिकल की दोनों नीज भी कट चुकी हैं। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो अपनी तलवार को देखते हुए कहते हैं, अमेजिंग, मैंने उसके शरीर के सभी एजेस को काटने की कोशिश की और उन सभी एजेस को कट कर अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन देखो मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर से ही कट मार पाया। शायद तुम्हारे खून बहने की वजह से ही मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा, क्योंकि लगातार तुम्हारा खून बहता जा रहा है। शायद मेरी फॉर्म गलत थी, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से नहीं काट पाया। शायद अब मैं तुम्हें वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और साइड से पूरा काट सकता हूँ, बिल्कुल किसी फूल की तरह। समझ गया, मैं तुम्हें काट सकता हूँ। यहाँ पर मियामोटो आगे क्या करने वाले हैं, इसे देखकर बाकी हानमा कहता है, मिस्टर मियामोटो, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिस पिकल को आप एक फूल की तरह समझ रहे हैं, उसकी बॉडी डायनासोर के जमाने की है। आप उसे किसी फूल की तरह नहीं काट सकते। हम देखते हैं मियामोटो अपने हाथ फैलाते हुए पिकल से कहते हैं, पिकल आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बन चुका हूँ। तुम तब तक मुझे खा सकते हो जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता। जल्दी करो पिकल, मेरे पास अब और टाइम नहीं है। मियामोटो की ये बात सुनते ही पिकल सुपर स्पीड में मियामोटो को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पिकल अपने पैरों के मैक्सिमम आउटपुट को यूज करते हुए मियामोटो की ओर बढ़ रहा होता है, और देखते ही देखते पिकल ने मियामोटो के कंधे में अपने दांत भी घुसा दिए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी बॉल को अपनी पूरी ताकत से फेंकना, तेजी से रनिंग की शुरुआत करना या फिर एक लोडेड पंच को मारना, इस समय पर आप अपनी मसल्स को यूज करके सबसे ताकतवर अटैक को कर रहे होते हैं, लेकिन इसी समय पर आपकी मसल्स काफी ज्यादा कमजोर भी होती हैं। सो इसी चीज को हम पिकल पर लागू होते हुए देखते हैं, जब पिकल अपनी पूरी ताकत से मियामोटो के कंधे पर हमला कर दिया होता है, इसी समय मियामोटो पिकल की बैक पर काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश मारते हैं, जिसकी वजह से होता यह है, पिकल की बैक में से काफी तेजी से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स हैरान होते हुए कहते हैं, ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, अब इस लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहिए। टोकुगावा, आप कुछ करते क्यों नहीं? जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि मियामोटो और पिकल की लड़ाई में मैं कुछ नहीं कर सकता, इस लड़ाई का एक रूल है, जब तक पिकल और मियामोटो इस लड़ाई को नहीं रोकते तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। हम देखते हैं पिकल ने मियामोटो के आधे कंधे को खा लिया होता है, जिस पर मियामोटो कहते हैं, तो पिकल तुमने मुझे खा लिया, अब बताओगे नहीं मेरे मांस का स्वाद कैसा था। जिस पर सामने से हम देखते हैं पिकल मियामोटो के मांस को बड़े मजे से खा रहा होता है, जिस पर मियामोटो कहते हैं, उसको मैंने इतनी बुरी तरह से काट दिया, वो फिर भी मजे से मेरे मांस को खा रहा है। हे पिकल, मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें इस बार मेरे सर को खाना चाहिए, क्या पता मेरे सर का स्वाद मेरे कंधे से काफी बेहतर हो। यहाँ पर पिकल मियामोटो की एक भी बात को नहीं समझ पाता, मगर वो जानता है कि उसके सामने वाला अपोनेंट उसे हल्के में ले रहा है। खैर, पिकल को मियामोटो हल्के में ना ले, इसीलिए पिकल अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। पिकल जैसे जैसे अपने शरीर को बड़ा कर रहा होता है, वैसे उसके शरीर के पुराने जमाने वाले जख्म भी दिखाई देने लगते हैं, जिस पर अरीना में बैठा हुआ बाकी कहता है, मियामोटो ये पिकल की फाइनल फॉर्म है, इससे बच के रहना। डेंजर क्या होता है, मैं गलत नहीं सोच रहा, वही चीज डेंजर होती है जो हमें डराती है, जिनसे हमें खतरा होता है। मैं तुम्हें कई सारी जगह को बता सकता हूँ जो हमें डराती हैं, जिन्हें डेंजरस प्लेसेस भी कहा जाता है। एक टाइफून भी हमें डराता है, समुद्र से आने वाली खतरनाक लहरें भी हमें डराती हैं, या फिर उबलता हुआ लावा भी हमें काफी ज्यादा डराता है। और यही खास बात है डायनासोर के जमाने की, और उस जमाने से बचे हुए आदमी को हम एक हीरो की तरह देख सकते हैं। आप अपने सामने इस डायनासोर के कंकाल को देख सकते हैं, जो कि उसी खतरनाक जमाने से आया है, जो कि अभी जिंदा नहीं है। लेकिन पिकल ही एक ऐसा इंसान है जो उस खतरनाक जमाने से बच पाया। पिकल ने खतरनाक टीरेक्स के जबड़े की ताकत को झेला है। हम अभी भी पिकल की ताकत को नहीं जानते, क्योंकि वो टीरेक्स जैसे डायनासोर्स को भी हरा सकता है। हम देखते हैं पिकल धीरे धीरे करके अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, क्या सच में तुम कोई इंसान हो? ओ, तो तुम कोई इंसान नहीं हो। पिकल, क्या तुम कोई किसी तरह के भूत हो? इवन शिनोबी निंजास भी अपने शरीर के साइज को नहीं बढ़ा सकते, फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ, मैंने अपने जमाने में ग्रेट एप्स को भी मारा है।
इसके बाद हम देखते हैं पिकल गुर्राते हुए मियामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन मियामोटो सामने से पिकल के हाथ पैर और दोनों कंधों को काट देते हैं, जिस पर मियामोटो कहते हैं, ओ तो तुम्हारी मसल्स बड़ी होकर और भी ज्यादा हार्ड हो गई हैं, और तो और तुम्हारा खून बहना भी रुक चुका है। मेरे पास पहले ही तुम्हें काटने का एक चांस था, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि तुम्हें किस तरह से काटना है। वैसे मुझे काटने में मजा आता है, और तुमने मुझे जो मौके दिए हैं इसमें मैं तुम्हें जी भर के काट सकता हूँ। पुराने जमाने में मैं जब भी किसी से लड़ाई करता था वो लोग मेरे एक ही अटैक से मारे जाते थे। मैं हमेशा से ही सोचता रहता था कोई तो ऐसा इंसान जरूर होगा जिसे मैं बार बार काट सकूं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मगर अब इस जमाने में मुझे तुम मिले हो पिकल। मैं तुम्हें एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग पूरे 6 बार काट चुका हूँ। तुमने कितने बार ही खुद को मुझे काटने का मौका दिया, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने खड़े हो। सामने से हम देखते हैं कि पिकल के दिमाग में एक चीज फिर से वापस आ चुकी है। पिकल को ये किस तरह की फीलिंग आ रही है? ये जानवर उन सभी जानवरों और इंसानों से अलग है जिनसे पिकल ने अभी तक फाइट की थी। ये बहुत बुरा है, एक दर्द, दर्दनाक और तेज। हाँ, ये वही है जिसे पिकल याद करके डर रहा है। ये वही कीड़ा है जिसे पिकल ने अपने बचपन में खा लिया था और बुरी तरह से बीमार भी हो गया था। मुसाशी मियामोटो को देखकर पिकल को इसी कीड़े की याद आ रही होती है, उसके खतरनाक नुकीले जहर वाले हाथ। और तो और इस कीड़े के पास बटरफ्लाई वाली एबिलिटी है जिससे यह बॉडी के आर पार भी हो सकता है। पिकल के दिमाग में इस कीड़े का डर बचपन से इतना ज्यादा बैठ चुका है कि वो अब मुसाशी मियामोटो को नहीं खाना चाहता। वो तो अब ना ही इस कीड़े से लड़ना चाहता है, ना ही उसे छूना चाहता है। हम देखते हैं पिकल मियामोटो से दूर जाने लगता है, क्योंकि अब वो मियामोटो को अपने खाने की तरह नहीं देखता। जिस पर बाकी कहता है, ये पिकल कहाँ जा रहा है? क्या पिकल इमरजेंसी शेल्टर को ढूंढ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मियामोटो पिकल को यहाँ से जाने से रोकते हुए कहते हैं, पिकल तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कुछ होने के बाद तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? मेरे पास आओ। हम यहाँ पर देखते हैं मियामोटो पिकल से लड़ने के फुल मूड में होते हैं, लेकिन पिकल मियामोटो की शक्ल को देखकर डरते हुए बुरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि पिकल को मियामोटो की शक्ल में वही डरावना कीड़ा दिख रहा होता है जिसकी वजह से पिकल बचपन में बुरी तरह से बीमार हो गया था। जिस पर मियामोटो कहते हैं, क्या हुआ पिकल, तुम अपने दुश्मन के सामने कांप क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे ही कांपते रहोगे तो मैं तुम्हें काटूंगा कैसे? खैर, ये सुनते ही पिकल डर के मारे एक बच्चे की तरह कूदते हुए अरीना से बाहर भागने लगता है। जिस पर मियामोटो यहाँ पर कहते हैं, अपने हाथों पर कूदते हुए भागना और दूसरे लोग क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल भी ना सोचना। पिकल, सच में तुम पूरी तरह से एक जानवर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अंडरग्राउंड फाइटर्स पिकल की हालत देखकर हंसने लगते हैं और कुछ थोड़े उदास भी हो जाते हैं। यहाँ पर टोकुगावा पिकल की हालत को देखकर कहते हैं, पिकल का इतना खून बह रहा है, वो फिर भी बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के यहाँ से भागकर चला गया। हम देखते हैं पिकल डर के मारे भागते हुए अरीना से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोटोवे पहुँच जाते हैं, जो कि पिकल के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटे पिकल कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो इससे पहले ही भाग जाना चाहिए था। पिकल, अब तुमने बहुत लड़ लिया, अब मैं देखता हूँ मियामोटो को। और इसके बाद हम देखते हैं दारू की फब्बार मारते हुए मोटोवे अरीना में अपनी धांसु एंट्री मारते हैं, जिन्हें देखकर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स कहते हैं, देखो देखो वो आ गया। खैर, यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 28 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे मुसाशी मियामोटो को मोटोवे से फाइट करते हुए, और ये फाइट बाकीडो सीरीज की सबसे मजेदार फाइट होने वाली है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सो अब मिलते हैं बाकीडो के पार्ट 29 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।